भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण अभियान का आगाज भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम मुख्यमंत्री बजला शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद रहेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है तमाम दिग्गज तो पहुंच चुके हैं, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द मुखिया भी पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल स्वागत सत्कार का सिलसिला जारी है और भाजपा की सदस्यता ग्रहण अभियान का आज से आगाज हो जाएगा। सदस्यता ग्रहण की जाएगी, बेहद महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमेशा ही इस तरीके के आयोजन करती आई है जब से भाजपा सदस्यता अभियान का आगाज हुआ है। और कल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब देशव्यापी इसका आगाज हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सदस्य बने थे और अभी भी कोशिश इस बात को लेकर कि रिकॉर्ड तोड़ सदस्यता ग्रहण करवानी है लोगों से भारतीय जनता पार्टी की। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, क्योंकि लगातार कुछ दिनों से आप इस पूरे अभियान के बारे में जानकारी दे रहे हैं, कैसे तैयारी की गई है, इस बार क्या नया खास है और आज दिन राजस्थान में, फिलहाल कल का कितना महत्वपूर्ण दिन रहा और आज ये भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जिसकी शुरुआत होने वाली है इसे लेकर भी जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए पूनम, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी आप पहुंच चुके हैं, बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद है और इस अभियान के जो संयोजक है अरुण चतुर्वेदी जी, उन्होंने तमाम तैयारियों को अंतिम तैयारी जो है अमली जामा वो पहना रहे हैं और प्रमुख विधायक है, प्रमुख सांसद है मौजूदगी यहाँ पर मंडल के भी प्रमुख सदस्य यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ ही आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वो भी कुछ देर में पहुंचेंगी। तो कहा जा सकता है कि अभियान को लेकर जो कल आगाज राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था और पूरे देश में 10 करोड़ का लक्ष्य है, राजस्थान में 1 करोड़ के लक्ष्य का आगाज किया जाएगा और भजनलाल शर्मा मदन राठौड़ कुछ देर बाद सदस्य बनेंगे और उसके बाद से एक पूनम हमने देखा ये इकलौती ऐसी पार्टी, क्या दुनिया में इकलौती ऐसी पार्टी हो सकती है जो इस तरह के आयोजन को भी एक उत्सव की तरह मना रही है, अपने सदस्यता अभियान का नवीनीकरण कर रही है जी। आमतौर पर कार्डर बेस्ड पार्टी में भी ऐसा देखने को नहीं मिलता और लेकिन बीजेपी में ऐसा देखने को मिलता है और शायद यही कारण है जब बीजेपी के दो विधायक के बाद बीजेपी का जन्म हुआ, उस वक्त बीजेपी के कई बड़े नेता को बुलावा था अन्य दलों से लेकिन वो अपनी पार्टी छोड़कर नहीं गए और अपनी मूल पार्टी से ही डटे रहे। आज हम देखे तो वो हमें दौर देखने को मिला जब कांग्रेस या अन्य कई पार्टियां, चाहे हम सीपीएम की बात कर ले, सीपीआई की बात कर ले, बीएसपी की बात कर ले, सपा की बात कर ले, उनका जब डाउन खान आने लगा तो उन पार्टियों के नेता अपने उसूलों, अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों को या उन तमाम कारणों को जिनके कारण वो अपने पार्टियों में पहुंचे, बड़े पदों पर रहे, उन्होंने अपने अपने दल छोड़े और बीजेपी में तो शामिल हो गए। तो आप समझने की जरूरत यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित और संगठन में भी जो काडर है वो इतना मजबूत है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी का जो नेता है, उसकी ये इच्छा नहीं होती कि वो दूसरी पार्टी में जाए और जो जाता भी है वो वहां पर उसको या तो मन नहीं लगता उसका या दूसरी पार्टी के विचारों से उसका मेल नहीं खाया जाता। और जब कई पहलुओं पर गौर किया जाए तो इस सदस्यता अभियान का इतना बड़ा आगाज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसके पीछे कई पहलू हैं। उन पहलुओं में सबसे बड़ा पहलू यही है कि ये जो तमाम नेता जो अन्य दलों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, कांग्रेस या अन्य दलों से, राजस्थान में तकरीबन संख्या 2-2.5 हजार से ऊपर रही तो लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी के अंदर आए लेकिन वो बीजेपी के विचारों से आत्मसात नहीं हो पाए और देशव्यापी स्तर पर भी अगर हम इसको बात को देखकर तो इसके नुकसान उठाने पड़े बीजेपी को।
लोकसभा चुनाव में कम सीटें आने का कारण भी एक फैक्टर उसमें से ये और रहा, इस तरह की घटनाक्रम उस भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें पैदा हुई, इस तरह के घटनाक्रम से बीजेपी के लिए ये मुश्किल पैदा हुई कि आखिर अपने कार्यकर्ता की पोस्ट पर दूसरे दल के कार्यकर्ता को या दूसरे दल के नेता को जो तरजीह दी जा रही है, जो तवज्जो दी जा रही है, उसके जो साइड इफेक्ट उसको दूर करने की आवश्यकता है। सदस्यता अभियान का मतलब है, मुझे जो लगता है वो यही है कि इसके जरिए विचार परिवार, विचारधारा, सिद्धांत, पार्टी विद डिफरेंस, तमाम वो कारण जो जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में जानी जाती है, अब वो उन नए कार्यकर्ता, उन तमाम दलों से आए हुए कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है लेकिन अब वो बीजेपी में आ चुके हैं, वो जाने समझे, बीजेपी की पंच निष्ठाओं को जाने, चुनावी कालखंड में जो आता है वो अपने लाभ और लोग को लेकर आता है, अपने स्वार्थ को लेकर आता है, अपने चुनावी एजेंडे को लेकर या अन्य किसी राजनीतिक स्वार्थ को लेकर आता है, लेकिन वो उस दल के विचारों से आत्मसात नहीं हो पाता। सदस्यता अभियान का एक बड़ा लक्ष्य यही रहेगा कि आप तमाम उन गैर विचारधारी चाहे भी दलों के कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पर सदस्य बनाया जाएगा और साथ ही उन्हें पार्टी की रीति नीति पंच निष्ठाओं से अवगत कराया जाएगा। एक बड़ा पहलू इस पूरे सदस्यता अभियान का भी, भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि तस्वीरों में आप देख रहे हैं दोनों ही उप मुख्यमंत्री फिलहाल पहुंच चुके हैं, दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी नजर आ रहे हैं। अरुण चतुर्वेदी तो लगातार मंच पर मौजूद और निर्देशित भी कर रहे हैं, कमान उन्होंने संभाली रखी है। अभी आप किन किन दिग्गजों को देख पा रहे हैं, जरा जानकारी दीजिएगा। और अभी इस वक्त अभियान को लेकर जो कहा जा सकता है कि कई कार्यकर्ताओं को यहाँ पर अभिनंदन सम्मान भी दिया जा रहा है जी जी। और सबसे पहले जो पार्टी के महापुरुष हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनकी तस्वीरों को नमन किया जाए, उनकी तस्वीरें बीजेपी के कार्यक्रम में लगाई गई है, इनके बाद औपचारिक रूप से विधिवत तौर पर आगाज हो जाएगा। और इसके साथ ही कई कई ऐसे कार्यक्रम है जी, यहाँ पर बीजेपी के परिवार के सदस्य रहे, बीजेपी के स्टाफ कर्मी जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, उनके परिवार को आर्थिक सहायता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के द्वारा दी गई है, मदन राठौर की तरफ से वो दी जा रही है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद है, मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, तो एक सामाजिक सरोकार भारतीय जनता पार्टी अपने उन सहयोगियों के लिए, अपने उन साथियों के लिए जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के स्टाफर के तौर पर कार्य करते रहे। और मुझे ध्यान आया कि परसों पहले से शुरुआत है, हम जिमापुर अध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के, तब उन्होंने इस तरह के सरोकार के काम अनेकों किए और एक नवीन रचना को बढ़ा का लाभ ना केवल उस परिवार को मिलता है, आर्थिक संबल मिलता है और उसके आज बाद आगे आने वाले उनके परिवार के सदस्यों को भी मिलता है, तो एक अच्छा पहल है। मदन राठौड़ उस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं और उस पहल को निभाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ऐसे में चाहे फिर वो एक बड़ा नेता हो या कार्यकर्ता हो, वो खुद जुड़ाव महसूस करता है। हालांकि नेता यही कहते हैं कि हम तो एक महज कार्यकर्ता है जो पार्टी के लिए जी जान से बस जुटे हुए हैं। साथ में आपने जो जानकारी दी है कि कौन कौन मंच पर मौजूद है, फिलहाल वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं सम्मान की, और साथ में जरा ये भी जानकारी दीजिएगा कि मुख्यमंत्री कितनी देर में पहुंच जाएंगे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे जी जी। और जैसा मैंने बताया आपको, बीजेपी कार्यालय में एक बहुत पुराने कर्मचारी हुआ करते थे नवीन जी, तो वो नवीन शर्मा जी लंबे समय तक यहाँ पर महत्वपूर्ण पदों पर रहे, उनका जब लंबी बीमारी के बाद उनका जब देहावसान हुआ, तो दो बच्चियां जो पढ़ रही थी उनको आर्थिक सहायता की दरकार थी, कुछ समय ओम प्रकाश माथुर
जब वो खुद संगठन महामंत्री हुआ करते थे तब नवीन शर्मा को नौकरी दी थी बीजेपी का, तो उस आगे जाकर निभाने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय ने किया, उनके परिवार को आर्थिक संबल देने का कार्य किया, और भी जो दूसरे कर्मचारी बीजेपी कार्यालय में है उनको संबल देने का काम भी किया। मुख्यमंत्री बस कुछ ही पलों में बीजेपी कार्यालय पर पहुंचने वाले हैं, उसके बाद राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी विधिवत तौर पर बीजेपी के, और एक अच्छी बात और अभी मंच से बोली गई, आप बोलेंगे बीजेपी के जितने भी जिला कार्यालय है खुद के भवन है, जिनका खुद के भवन नहीं है लेकिन किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं, सभी पर प्रोजेक्टर के जरिए इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट देखा जा रहा है, ठीक है, और ये पूरी व्यवस्था बीजेपी का जो आईटी सेल है जी है, तो एक आप ध्यान ये कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, सोशल मीडिया सेल, ये किस तरह से नरेंद्र मोदी के प्रादुर्भाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में कितना सशक्त परिपक्व और मजबूती की तरह देखने को मिल रहा है। ये अलग बात है कि बीते कुछ सालों में कांग्रेस का आईटी सेल ने भी कड़ी टक्कर देने का काम बीजेपी के आईटी सेल को किया है, हाँ, मगर फिर भी देखा जाए तो ये काफी एक सकारात्मक पहलू है कि बीजेपी कार्यालय में जो कार्यक्रम अन्य कार्यालयों में जो तौर पर उन्हीं के कार्यालय की तमाम जो आईटी सेल के कार्यकर्ताओं के जरिए उसका एक अच्छी पहल यहाँ पर है, और कुछ ही देर में स्वच्छता अभियान और स्वच्छता अभियान जो हर घर घर संपर्क महाअभियान के तौर पर चलेगा, मिस्ड कॉल के जरिए सदस्य बनाए जाएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन सदस्य बनाए जाएंगे, इसके साथ ही कैंपेन चलेगा, किचन से लेकर कैंपस तक कैंपेन चलाया जाएगा, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो कॉलेज इंस्टीट्यूट तक पहुंचेंगे, वहां पर कैंपेन चलाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलेगा, अलग अलग मोर्चे जो अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए तो अपने अपने वर्गों में भी अभियान चलाने का काम करेंगे। इस बार कलेक्टिवली टास्क दिया गया है और उस कलेक्टिवली टास्क का मतलब ये है, लक्ष्य तो रहेगा लेकिन कलेक्टिव परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पर उस लक्ष्य तक पहुंचना, 1 करोड़ का लक्ष्य तो पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया जी। और बीते दिनों जब प्रदेश कार्यशाला हुई थी तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1.25 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया था या आह्वान किया था, तो उस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी को 1.25 करोड़ का लक्ष्य, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री ने इस लक्ष्य को आह्वान किया है, ऐलानिया किया है, तो उस लिहाज यहाँ पर बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस लक्ष्य को छोड़ने का प्रयास करेगा, अर्जित करने की कोशिश में जुटेगा और हर गांव ढाणी शहर कस्बा। लेकिन ये कवायद तब भी शुरू हुई थी और उस वक्त पूरे देश में बेहद उत्साह देखा गया था इस सदस्यता अभियान को लेकर, जो एक तरीका था कि मिस्ड कॉल आप कीजिएगा इस नंबर पर और फिर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, इसके अलावा और भी नई नई चीजों का इस्तेमाल इसमें किया गया था और अब भी कई टेक्नोलॉजी ऑनलाइन तरीके से भी मिस्ड कॉल के जरिए भी, लेकिन जैसे कि आप पहले भी बता रहे थे, जानकारी आपने दी थी, चाहे बहुत बड़ी पार्टी बन गई हो, रिकॉर्ड उसने कायम किया हो, लेकिन जो चुनाव में नतीजे जब सामने आए तो फिर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया, क्या मानकर चले उस क्वेश्चन मार्क को दूर करने की भी एक ये कोशिश है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया पूनम। कागजों में मिस्ड कॉल के जरिए सदस्य तो बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन जब तक वो विचारधारा से नहीं जुड़ पाते तो नतीजे उस तरह से नहीं आते। तो आपने देखा होगा कि जब चुनाव आते आते चुनाव में तात्कालिक मुद्दे बहुत हावी हो जाते हैं, जातीय राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति, और कई बार ऐसा भी होता है कि उम्मीदवार के चेहरे को देखकर भी वोट दे दिया जाता है, तो ये तमाम कारण होते हैं जिनको लेकर जनता पार्टी के को कुछ नुकसान उठाना पड़ा। अलग बात है कि फिर से एनडीए की सरकार बन गई, राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ गई, मगर 14 लाख से अधिक पूनम राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पेज प्रमुख है, जी 14 लाख से अधिक पेज प्रमुख है, उनके नीचे भी उनकी टोलियां हैं, 52,000 के लगभग बूथ है और उन बूथ की भी अब पूरी कार्यकारिणी बनी हुई है, इसके अलावा मंडल है, जिला है, तो एक
लंबी फौज है, इतनी बड़ी फौज होने के बाद भी ये तो चुनाव ही नहीं हारना चाहिए बीजेपी के उम्मीदवार को, लेकिन इसी तो हम भारत की डेमोक्रेसी कहते हैं, इसकी खूबसूरती कहते हैं कि यहाँ पर विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाता है, पक्ष अपना काम करता है। तो पक्ष और विपक्ष आप कौन तय करता है, जनता जनार्दन के हाथ में होता है, लेकिन जनता जनार्दन बहुत सोच समझ के वोट डालती, तो वो सोच समझ के वोट डाला गया है इस बार, और लगाम भी अपने हाथ में रखी और ये भी बता दिया कि जनता के साथ जुड़ के ही चलना होगा तो आगे भी सत्ता मिलती रही, और जनता से जुड़ के नहीं चलेगी और महंगाई और उस पर नियंत्रण नहीं होगा तो उसके हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। बहुत सारी बातें लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी इस तरह के कार्यक्रमों की जरिए जीवंत बनी रहे, ये इसका एक सबसे बड़ा पहलू है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा दल इस तरह के कार्यक्रम करता होगा, इस तरह के उत्सव के साथ इस तरह के कार्यक्रम बनाता होगा। कांग्रेस में ऐसी कोशिश हुई लेकिन फलीभूत नहीं हो पाई, क्योंकि क्योंकि कांग्रेस अपने आप को मास आधारित पार्टी मानती रही या उसमें अपने आप को गढ़ चुकी, अब उससे वो निकलना ही नहीं था, उससे बाहर आना ही नहीं था। जब तक उससे बाहर नहीं आएगी तब तक इस तरह के अभियान की कैंपेन ही चलेगी, और हमने वो दौर भी देखा है कांग्रेस के अंदर, यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए तो किस तरह के सदस्य उसमें बनाए गए थे, चुनाव जीत लेने के लिए किस तरह हथकंडे अपनाए गए थे, और भारतीय जनता पार्टी से भी बहुत कुछ सीखा है, और कहते हैं ना कि सीखने में कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं, अगर कोई हम अच्छी चीज किसी से सीख सकते हैं, और कांग्रेस ने बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो टेक्निकली हो, मार्केटिंग हो, सोशल मीडिया पर किस तरीके से एक्टिवनेस हो, वो भी बहुत कुछ सीखा है कांग्रेस ने। योगेश जी, ये बात सही है आपकी कि एक लंबी तारीख है, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ बीजेपी कार्यालय, तो मैं यही नोटिस कर रहा हूँ कि पिछले तकरीबन 1.5 घंटे पहले से ही यहाँ पार्टी के नेता कार्यकर्ता आकर अपनी अपनी जगहों पर बैठ चुके हैं। तो ये डिसिप्लिन तब आता है जब आपका काडर बहुत स्ट्रांग हो, और ऐसा मैंने सत्ताधारी दल है बीजेपी और सत्ता में इसलिए नहीं देखा, जब विपक्ष में भी रहती है बीजेपी तब भी इसी तरह की मेरे को स्थिति नजर आती, किसी नेता के किसी नेता से नहीं बनती, कोई कार्यकर्ता किसी नेता को नहीं पसंद करता, उससे बीजेपी के अनेकों कार्यकर्ताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपने कमल के फूल से मतलब, और इससे ज्यादा वो कुछ समझते नहीं, जानने की कोशिश करते हैं। ये अगर विचारधारा रच बच गई है कार्यकर्ता के अंदर तो वही बीजेपी की सबसे बड़ी पूंजी है, और इस तरह के अभियान और नए सदस्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वहां की हर एक तस्वीर दिखाई, हर एक अपडेट, और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इंतजार किया जा रहा था, विधिवत रूप से औपचारिक रूप से आगाज दीप प्रज्वलित करके जनसंघ के संस्थापक और माँ की तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, देवी माँ की तस्वीर, और दीप प्रज्वलित का डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अरुण चतुर्वेदी और तमाम अन्य दिग्गज नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। एक परंपरा भी है भारतीय जनता पार्टी भी कि जिस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है उस तरीके के साथ भी, लेकिन एक बीजेपी की परंपरा के साथ विधिवत रूप से इसका आगाज किया जा रहा है, वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। योगेश जी, जैसे कि आप कह रहे थे कि बस मुखिया का इंतजार है, जैसे ही वो आ जाएंगे तो औपचारिक रूप से आगाज कर दिया जाएगा, और वो तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं, आप ज्यादा जानकारी दीजिएगा। देखिए, सीएम पहुंच चुके हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में, और इस समय दीप प्रज्वलन किया है, महापुरुषों को याद किया है जी। बीजेपी के महापुरुषों की बात करें तो सबसे बड़ा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय का लिया जाता है, जो जनसंघ के संस्थापक थे और जिन्होंने जनसंघ को गढ़ने का काम किया, जनसंघ की रचना करने का काम किया,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनकी नीतियों पर बीजेपी जी उनके चित्रों पर माल्यार्पण किया और माता हमेशा एक नारा प्रतिबद्ध है भारत माता की जय। और देख सकते हैं तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सदस्य बनेंगे, मदन राठौर के साथ साथ वो भी सदस्य बनेंगे, दोनों मुख्यमंत्री दिया कुमारी कृष्ण बैरवा के मौजूदगी सांसद जयपुर शर्मा के साथ ही प्रदेश सत्ता अभियान के संयोजक मौजूद किए अरुण चतुर्वेदी जी कार्यक्रम को तस्वीरों में देखा। और यहाँ पर जिस तरह से बोल रहे हैं आज आप सुन रहे हैं पूरी बात अपनी रख रहे हैं जी। अभी क्या प्रोसेस रहेगा क्योंकि संबोधन भी दिया जाएगा, जाहिर सी बात है एक संदेश देने की कोशिश यहां से की जाएगी। हालांकि कार्यक्रम तो इसकी तैयारियां तो पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन आज इस मंच से क्या संदेश देने की कोशिश होगी दिग्गजों द्वारा? योगेश जी देखिए ये बात सही है कि सबसे पहले सदस्य बनेंगे जी और सदस्य बनने के क्षण रहने वाला है सदस्य बनने का और मिस्ड कॉल के जरिए सदस्य बनाने की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। जिस तरह से आपने कल बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पे देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्य बने, फिर उसके बाद बीजेपी के तमाम प्रमुख नेता अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सदस्य बने और आज उसी प्रक्रिया के अनुरूप आज यहाँ प्रक्रिया वो निभाई जाएगी। एक प्रोसेस है उस प्रोसेस को यहाँ पर निभाया जाएगा और एक आगाज किया जाएगा राज्य भर में सदस्यता अभियान का। तमाम प्रमुख नेता जो है वो जुटे हैं यहाँ पर जी भी हम सब तो इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर हैं तो उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन की विशेष महत्ता है। देश भर में लगभग 1500 से अधिक राजनीतिक दल हैं। उन राजनीतिक दलों में केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो संगठन में सदस्यता और नियमित रूप से संगठन के चुनाव इस विषय को केवल अपने संविधान में उल्लेख नहीं करता बल्कि अपने आचरण के आधार पर, अपनी गति के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर इसको हमेशा समय पर पूरा करने का काम करता है। 2014 से पहले अपने में से अधिकांश कार्यकर्ताओं को पता है कि हम सदस्यता रसीद पंजिका के आधार पर करते थे। 2014 में जब देश के गृहमंत्री सम्मान्य अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उन्होंने एक अभिनव प्रयोग किया कि हम डिजिटल माध्यम से मिस कॉल के माध्यम से पार्टी की सदस्यता करेंगे। अपन सबके प्रयास से उस समय 10 करोड़ देश के सदस्य बने थे और लगभग 83 लाख राजस्थान में सदस्य बने थे। एक बहुत लंबी छलांग डिजिटल के माध्यम से पार्टी लगाने काम किया। अपना संविधान की धारा 2 कहती है कि हर 6 वर्ष में हमारी सदस्यता होती है और 6 वर्ष की सदस्यता 2020 थी, लेकिन 2020 में कोविड के कारण से पार्टी ने चुनाव आयोग से विशेष अनुमति लेकर के तय किया कि सदस्यता को हम केवल एक्सटेंडेड करेंगे। पुरानी सदस्यता को रखते हुए 2019 में हमने एक एक्सटेंडेड सदस्यता की, विस्तारित सदस्यता की। उसमें देश भर में 6 करोड़ सदस्य बने और राजस्थान में लगभग 53 लाख सदस्य उसमें बनाने का काम किया। इस अभियान में लगातार अभी जो काम शुरू हुआ 20 तारीख को विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं की योजना बनी। 20 तारीख को 17 तारीख को राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला, 20 तारीख को प्रदेश की कार्यशाला जिसमें से अपने में से बहुत सारे कार्यकर्ता उस कार्यशाला में उपस्थित रहे होंगे। 22, 23, 24, 25 तीन दिनों में सभी जिलों की कार्यशाला, 26, 27, 28, 29 तीन दिनों में सभी मंडलों की कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। जिस समय मैं खड़ा हूँ उस समय सब मंडल और सब जिलों की कार्यशाला हुई है और सारे राजस्थान में लगभग 51,000 बूथ हैं। आज की तारीख तक, कल तक की जो रिपोर्टिंग है, जो अभी तक लगातार सूचना आ रही है, लगभग कोई 40,000 बूथों के ऊपर हमारी कार्यशालाएं
आप सबके प्रयास के आधार पर संपन्न हुई है। उन कार्यशालाओं में अगले दिनों में जो अभियान चलने वाला है उस अभियान को गति देने का काम करने वाला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस अभियान के नाते से एक समिति बनाई है। उस समिति में पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मोतीलाल मीणा जी, प्रदेश के मंत्री विजेंद्र पूनिया जी, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता कई बार से विधायक पूर्व मंत्री रही अनिता बघेल जी, निर्मल कुमावत जी, शक्ति सिंह जी, आयदान सिंह जी भाटी, ऐसे 6 लोगों की समिति भी इसमें चल रही है, जिसमें हमने सबको काम बांट करके इसको गति देने का काम करना। आप में से बहुत सारे कार्यकर्ताओं को इस अभियान के नाते से कोई सदस्यता, कहीं संभाग का काम दिया है, किसी को जिले का काम दिया है। मैं विश्वास कर सकता हूं कि अपन सब पार्टी जिस प्रकार से इस अभियान को महत्व देती है, अपन भी लगातार प्रवास करते हुए मंडल तक के कार्यकर्ताओं को इस अभियान में उत्प्रेरित करने का काम करेंगे, मोटिवेट करने का काम करेंगे, जिससे कि समयबद्ध तरीके से इस अभियान को हम पूरा कर सकें। इस अभियान का पहला चरण आज से शुरू, कल से शुरू, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, प्रधानमंत्री जी के सदस्य बनने से शुरू हुआ है और ये चलने वाला है। 21 अक्टूबर तक चलेगा और उसके बाद इसको समाप्त करके 30 अक्टूबर तक पहला फेज और 1 से 15 अक्टूबर तक दूसरा फेज चलेगा। पहले फेज में हम केवल बूथ तक का कार्यक्रम करेंगे और दूसरे फेज में जो क्षेत्र रह गए हैं, इस अभियान का एक उद्देश्य है ये अभियान सर्वस्पर्शी बने, सर्वव्यापी बने। सर्वस्पर्शी मतलब सब जाति समाज समूह सबके पास हम जाकर के सदस्य बनाएंगे। सर्वव्यापी मतलब समाज जीवन का कोई भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्र नहीं, कोई गली नहीं, मोहल्ला नहीं, दलबा नहीं, कोई ढाणी नहीं कि जिस पर हम नहीं पहुँचे, वहाँ पहुँच करके सदस्य बनाने का काम हम सबका है। पहले फेज में हम बूथ बूथ पर इस काम को करेंगे और दूसरे फेज में जो 1 से 15 अक्टूबर तक चलेगा, उस फेज में हम सामूहिकता देते हुए और पहले फेज का जो क्षेत्र बचा है उस क्षेत्र में इस अभियान को पूरा करने का काम करेंगे। प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 20 तारीख को अभियान में अपने को लक्ष्य दिया था 125 करोड़ सदस्य प्रदेश में बनाने का। मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी ने और सब कार्यक्रमों के काते लिहाज किया, अगर हम जो तय किया राष्ट्रीय स्तर पर एक बूथ पर 200 भी सदस्य बनाते हैं तो इस लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। और 200 का सदस्य बनाना बहुत बड़ा एक बूथ पर मुश्किल नहीं है। हम सब ने अभी चुनाव में काम किया, चुनाव के परिणाम देखें, और मैं कल देख रहा था प्रधानमंत्री जी के सदस्य बनते ही 10-12 मिनट के बाद मैं सदस्य बनाऊंगा, जो मैं बना 1,43,000 देशभर में सदस्य बन चुके थे। अभी अपन देखेंगे तो ये संख्या कई लाखों तक पहुंच चुकी है, सारी कई लाखों तक पहुंच चुकी है। अब मैं इस पूरे अभियान के नाते से प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री जी को इस अभियान का जो कार्ड हमने बनाया है, मुख्यमंत्री जी को डिजिटल कार्ड, उस कार्ड को देकर के इस अभियान की शुरुआत करें। मुख्यमंत्री जी पूरी इस प्रक्रिया को करेंगे, अध्यक्ष जी उनके साथ इसको मिस कॉल कराएंगे, मिस कॉल करने के बाद प्रक्रिया, उसके बाद जो कार्ड निकल के आएगा वो कार्ड मुख्यमंत्री जी को अध्यक्ष जी देने का काम। मैं नंबर बोलता हूँ 8800000। नंबर बताया जा रहा है मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा को और एक कार्ड दिया गया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, मदन राठौड़ की तरफ से, और मिस्ड कॉल करके जरा देखिए सदस्यता ग्रहण कर ली है मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा ने। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कल देशव्यापी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की सबसे पहले सदस्य बनकर भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद सभी राज्यों में आज से शुरुआत, और राजस्थान में क्योंकि सबसे ज्यादा आंकड़ा तय किया गया है कि ज्यादा सदस्य बनाने हैं, मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा सबसे पहले सदस्य बनते हुए भारतीय जनता पार्टी के। और अब जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को भी पार पाना है, उसे लेकर यहां से एक बार फिर से मन से संदेश देने की कोशिश अरुण चतुर्वेदी ने कमान संभाल रखी है। और मंच पर दिग्गज आपको नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सभी सदस्य बनते हुए। शुरुआत मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा से, दिया कुमारी सदस्य बन चुकी है और मदन राठौड़
डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सदस्य बनते हुए, लेकिन शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। लगातार तस्वीरें आपको बीजेपी मुख्यालय से दिखा रहे हैं। सदस्यता अभियान का आगाज हो गया है और ये पहले सदस्य मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिलाई गई, सदस्य बने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को भी सदस्यता दिलाई गई और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी ने भी सदस्यता ग्रहण की है। इसका आगाज हो गया है और जो सदस्य बनने के बाद जो सर्टिफिकेट होता है वो दिखाया गया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और उत्साह भरने की कोशिश कार्यकर्ताओं में। अरुण चतुर्वेदी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। मोतीलाल जी बिना प्रेम जी बैरवा को अध्यक्ष जी के साथ देंगे। बेहद अहम तस्वीरें और अभी आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें दिखाई थी। अब मदन राठौड़ सदस्यता ग्रहण करने के बाद डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, अब औपचारिक रूप से घोषणा हो चुकी है कि सदस्यता ग्रहण करने के बाद सदस्य बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निर्मल कुमावती और विजयन जी पूनिया, अभियान के संयोजक है अरुण चतुर्वेदी से संयोजक सब मंच पर मौजूद। अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा को सदस्यता दिलाई गई और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को भी सदस्यता दिलाई गई। दोनों ही उप मुख्यमंत्री उनको भी सदस्यता दिलाई गई और हाथ में सदस्य बनने के बाद की तस्वीरें जरा देखिए। हाथ में वो साइन किए हुए भारतीय जनता पार्टी का एक प्रूफ दिखाया गया है कि अब मैं सदस्य हूं भारतीय जनता पार्टी का और ये भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए बेहद अहम हो जाएगी तस्वीर, उनमें हौसला भरने की ये तस्वीर जरा देखिए। क्योंकि इस बार कोशिश है कि हर बूथ स्तर पर 200-200 सदस्य बने, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स अगर बनेगा तो राजस्थान में ये कोशिश रहेगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। 125 करोड़ अकेले राजस्थान से सदस्यता बनने की बात सामने आ रही है कि इतनी संख्या में हमें सदस्य बनाने हैं भारतीय जनता पार्टी के। फिर वो चाहे किसी समाज से हो, किसी जाति से हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से इतने प्रभावित होने चाहिए कि वो सदस्यता ग्रहण करें। इसके अलावा एक खास मकसद ये भी कि केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है, फिर राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की योजनाएं हैं, वो भी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश इस बात से रहेगी। हम सबको संगठन के नाते लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे सम्मानी मदन राठौड़ जी से मैं आग्रह करूंगा, आए और हम सबको संबोधित करें।